नमस्कार किसान साथियों, आज हम जान लेते हैं कोटा भामासा मंडी की सभी कृषि जिन्सों के भाव के बारे में, कौन सी फसल कहां तक बिकी है। किसान साथियों, तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में सबके बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करें तेजी मंडी की, तो किसान साथियों सोयाबीन के बाजार में 50 से 60 रुपये प्रति क्विंटल तक सोयाबीन के बाजार तेज देखने को मिली है किसान साथियों। वहीं बात करें किसान साथियों तिल्ली के बाजार की, तो लगभग 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें मंदी देखने को मिले हैं। वहीं उड़द के बाजार 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज देखने को मिले किसान साथियों। वहीं आवकों की पोजीशन के बारे में बात करें किसान साथियों, तो सभी कृषि जिन्सों की आवक की पोजीशन हमें 60 से 80 हज़ार बोरी के आसपास देखने को मिली है किसान साथियों। और आज 30 नवंबर 2021 मंगलवार का दिन है किसान साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी डेली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन किसान साथियों को मिल सके। तो देख लेते हैं सभी फसलों के भाव, कौन सी फसल कहाँ तक बिकी है किसान साथियों। सबसे पहले हम बात करें किसान साथियों सोयाबीन की, तो 3000 रुपये से लेकर 6800 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें सोयाबीन की पोजीशन देखने को मिली है कोटा भामासा मंडी में। वहीं सरसों के बाजार की बात करें किसान साथियों, तो 6800 रुपये से लेकर 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें सरसों का बाजार देखने को मिला है। वहीं चना देसी 4400 रुपये से लेकर 4600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। चना गुलाबी 4400 रुपये से लेकर 4800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। चना मौसमी 4200 रुपये से लेकर 4700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। चना डंकी 4000 रुपये से लेकर 4300 यानी कि 4400 रुपये प्रति क्विंटल तक हाईएस्ट पोजीशन में देखने को मिली है किसान साथियों। वहीं धान सुगंधा नया 2200 रुपये से लेकर 2850 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धान 1509 2800 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धान 1718 2500 रुपये से लेकर 3350 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धान 1121 2800 रुपये से लेकर 3400 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। मक्का के बाजार की बात करें, तो 1400 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें मक्का का बाजार देखने को मिला है। वहीं कलौंजी की बात करें, तो 18000 से 19000 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें कलौंजी का बाजार देखने को मिला है। वहीं गेहूँ मिल की बात करें, तो 1950 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। गेहूँ टुकड़ी एवरेज 2000 रुपये से लेकर 2060 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है गेहूँ टुकड़ी एवरेज। गेहूँ बेस्ट टुकड़ी की बात करें, तो 2050 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी है। वहीं अलसी के बाजार की बात करें, तो 7000 रुपये से लेकर 7600 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें अलसी का बाजार देखने को मिला है। तिल्ली की बात करें, तो 8000 रुपये से लेकर 11500 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें तिल्ली का बाजार देखने को मिला है। ग्वार की बात करें, तो 5000 रुपये से लेकर 5900 रुपये 5700 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें ग्वार का बाजार देखने को मिला है। मेथी की बात करें, तो 5500 रुपये से लेकर 6600 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें मेथी का बाजार देखने को मिला है किसान साथियों। वहीं हरे मूंग की बात करें, तो 5000 रुपये से लेकर यानी कि 5500 रुपये से लेकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें हरे मूंग का बाजार देखने को मिला है किसान साथियों। वहीं उड़द के बाजार की बात करें, तो 4000 रुपये से लेकर 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक यानी कि ज़्यादातर 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें उड़द का बाजार देखने को मिला है उड़द का बाजार। मसूर की बात करें किसान साथियों, तो 5000 रुपये से लेकर 5400 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें मसूर का बाजार देखने को मिला है। धनिया पुराना 5000 रुपये से लेकर 5600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। वहीं धनिया बादामी 5800 रुपये से लेकर 6700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। धनिया रंगदार 7000 रुपये से लेकर 7700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। प्याज की बात करें किसान साथियों, तो 500 रुपये से लेकर 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें प्याज की पोजीशन देखने को मिली है किसान साथियों। वहीं बाजरे की बात करें, तो 1300 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें बाजरा बिकता हुआ दिखाई दिया है। वहीं लहसुन के बाजार की बात करें किसान साथियों, तो देख लेते हैं क्वालिटी के अनुसार लहसुन का बाजार, कौन सी क्वालिटी कहाँ तक बिकी है किसान साथियों। लहसुन के बाजार में दिनों दिन गिरावट जारी है किसान साथियों। देसी लहसुन ऊँचे में 1600 रुपये से लेकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। देसी लहसुन बढ़िया एक्स्ट्रा क्वालिटी फूल गोलामाल 5000 रुपये से लेकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है किसान साथियों। देसी लहसुन फूल गोलामाल 4000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। लहसुन का एवरेज भाव 4000 रुपये से लेकर 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। देसी लड्डू क्वालिटी माल 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। देसी मीडियम क्वालिटी माल 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। देसी चर्रे क्वालिटी के माल की बात करें, तो 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक हमें पोजीशन देखने को मिली है। वहीं देसी हल्का क्वालिटी माल 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है। वहीं किसान साथियों, ये थी आज की जानकारी किसान साथियों।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।